सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सो अभी जस्ट नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर ही आया हूँ और देखा मौसम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, घूमने लायक हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कहीं चला जाए, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है कुछ भी कि कहाँ जाना है कहाँ पर नहीं जाना। और जस्ट बाइक मैंने सही करवाई है, अपनी एवेंजर खड़ी हुई थी बहुत दिनों से, सो वो भी चल जाएगी, वरना खड़े खड़े आपको पता है कि उसमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो अब मैं कुछ सोच रहा हूँ कहीं जाने का, बट डिसाइडेड नहीं है। नहाए धोए भी हैं, ऐसा नहीं है कि तैयार होना पड़ेगा, अपन नहाए धोए साफ़ सुथरे बिल्कुल एकदम टिप टॉप, बस बाइक निकालनी है और रेस देनी है और निकलना है। तो नहाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपन तो रेडी रहते हैं 24 घंटे, हमें कभी भी कहीं भी ले चलो। आप देख सकते हो, मौसम देख सकते हो कितना शानदार हो रहा है, और ऐसा मौसम ना डेली डेली नहीं मिलता। सो जैसे ही ऐसा मौसम हो ना तो बस निकल पड़ो, ये मत सोचो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्योंकि मेरा भी डिसाइडेड नहीं है, मैं भी बस निकल रहा हूँ भाई। हवा बहुत प्यारी चल रही है और आप देख सकते हो मौसम बादल बादल से हो रहे हैं, तो थोड़ी तैयारी के साथ जाएंगे कि अगर बारिश हो गई तो क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो बारिश में। चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे, लेट्स गो। ये देखिए दोस्तों, की बात करते करते मेरे हाथ में क्या आया है। तो ये चीज़ ऐसी है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि 15 अगस्त का टाइम है, बहुत ज़्यादा सेफली चलना पड़ेगा आपको बाहर, अगर आप जा रहे हो तो पूरा कवर करके चलना, वरना हो सकता है आपके गले में अटक जाए और किसी भी तरह की चोट ना आए आपको। तो और प्लास्टिक मांजे का यूज़ ना करें, ठीक है, प्लास्टिक मांजे का यूज़ बिल्कुल ना करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप तो बच्चों का क्या होता है, पतंग उड़ा के छोड़ देते हैं और बाद में देखते नहीं हैं कि और लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस अब आते रहेंगे, अल्लाह ना करे कि ऐसे केसेस आए हमें देखने को मिले। तो थोड़ा ध्यान से, हाँ, बी केयरफुल, दोबारा समझाना ना पड़े, देख लो। तो फ्रेंड्स, ये है अभी बाइक का हाल, अभी मैं आपको बता देता हूँ उतारने के बाद और कैसी लग रही है, वैसे धुलवा के खड़ी करी थी। तो फ्रेंड्स, यह है अभी बाइक का हाल, धूल मिट्टी में, वैसे तो धुलभागी खड़ी करी थी, बट अभी एक कपड़ा लगेगा सब चमक जाएगा। पता नहीं मेरी आवाज़ आ पा रही है या नहीं, अब हमने डिसाइड करा है करनाल वाला रोड पकड़ लिया है, और जब करनाल वाला रोड पकड़ लिया है तो आपको पता ही है ये गाड़ी रुकी है, अब अमृत देव पर चलते हैं मूर्तल की तरफ और देखते हैं कितनी देर में पहुंच पाएंगे। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, टाइमिंग का खेल नहीं चल रहा, लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट बाइक सेफली चलानी है, तो टाइमिंग का कोई ऐसा खेल नहीं है। ये कि थोड़ा बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट हम भी कमर सीधी सीधी करके फिर सीधे निकलेंगे करनाल की तरफ। तो
वेट एंड वॉच, मज़ा आ रहा है। तो बस ये है कि थोड़ी सी हम अपनी कवर सीटी कर ले अपनी और थोड़ा बाइक भी रेस्ट कर लेगी, उसके बाद हम क्योंकि एक घंटा ऑलमोस्ट हो गया हमें चलते चलते, अब एक घंटे के बाद अभी एक घंटे का रास्ता और है, तो एक घंटे का और रास्ता कवर करेंगे हम और जाएंगे करनाल रोड पकड़ेंगे हम और जाएंगे अपने टुकड़े, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं हम अपने टुकड़े। मोरतल पराठा बुला रहा है, बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, देख लो हमने हेलमेट पहना हुआ है। वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी तेरी, हेलमेट पहने रहे सामने पुलिस वाले खड़े, फोटो शूट हो जाए थोड़ा सा क्या। चंदवा रोड है, पहुंच चुके हैं भाई। देहरादून बाईस, हाँ देहरादून बाईस। क्योंकि रोड बन रहे हैं और हर जगह जाम जाम था, कुछ नेविगेशन ने घुमा दिया था, लेकिन फाइनली पहुंच तो गए और बहुत सेफली चलाई है मैंने बाइक। और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट के लिए, वो मैं आपको वन बाई वन बताऊँगा। बहुत दूर का सफ़र कर गया है भाई अमृत सुखदेव में, आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी, भीड़ का रीज़न हुई रक्षाबंधन है। दिया है हमने आलू पराठे का, प्लेन डोसा, लस्सी आ गई और लाइम सोडा, फिलहाल ये खा के देखते हैं हिम्मत बचेगी पेट में, कुछ जगह बचेगी तो फिर और देख लेंगे। हमने दे दिया हमारा डोसा, रेट बहुत रीजनेबल है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बस ये इतनी दूर आए तो कुछ तो मनोरंजन होना चाहिए।
फ्रेंड्स, अभी जो हम टेबल पर बैठे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर वाटर बॉटल है, लस्सी है, लेमिनेड है और सिर का प्याज है, अचार है और ये हमने कुछ आइटम्स मंगवाए थे। टेस्टी है, रीज़नेबल रेट्स, आप देख सकते हो इनका मेन्यू कार्ड, पॉज करके देख लेना, ज़्यादा महंगा नहीं है। लोकेशन भी बहुत प्यारी है और फूड भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आपके यहाँ के पैसा वसूल तो हो ही जाएगा। आप अंदर भी बैठ के खा सकते हो और बाहर की साइड भी बैठ के खा सकते हो। भाई ये दो चीज़ें ख़त्म करने के बाद मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा टेस्टी जो चीज़ लगी मेरे को इन तीनों में से वो थी ये है हमारा नींबू का अचार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये आके आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। नींबू वाला अचार था ये, मुरब्बा टाइप, ये नॉर्मल अचार और सिरका वाली प्याज, लेकिन इसका तोड़ नहीं है भाई। सो फ्रेंड्स, बाइक से आने का रीज़न मेरा मैंने आपको बता दिया है क्या था, क्योंकि बहुत दिनों से खड़ी हुई थी बाइक, अभी कुछ खर्चा भी किया था मैंने उसमें, कितने 2000 किया है लगभग उसमें खर्चा भी हो गया। सो अगर फिर से खड़ी कर देता फिर से ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें इसे चलाया जाए और आज इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो इससे बेस्ट जगह मुझे लगता नहीं कि कुछ और होती, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। अब रास्ते में जो जो तकलीफें आई वो मैं आपको बता देता हूँ, रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई। ये होता है फ़ोन होल्डर, वो लगाना बहुत ज़रूरी है आपको नेविगेशन के लिए, क्योंकि अगर आपके साथ कोई पीछे बैठा हुआ है उसको नहीं पता मैप कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, तो कहीं के कहीं निकल जाओगे आप, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो दूसरी चीज़, एक बैग का होना बहुत ज़रूरी है, एक बैग लगा होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख देते हो, बारिश हो जाए तो कुछ फ़ोन वोन भी रख दोगे तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। वाटर बॉटल रख लो, पेट्रोल की एक एक्स्ट्रा बॉटल रख लो, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप सिर्फ पराठा ही खाना प्रेफर करें तो वो बेस्ट है, क्योंकि पराठे के अलावा कुछ और खाओगे तो कॉस्टली भी पड़ेगा, क्योंकि 150 रुपये का प्लेन डोसा था तो पैसा वेस्ट। अचार इतना टेस्टी था कि हमने पैक करा लिया अचार, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसे लग रहा है। ये है वो नींबू का अचार, बहुत ही टेस्टी था भाई, तो नींबू का अचार भी ज़रूर ट्राई करें। और रक्षाबंधन में मैं अपनी सिस्टर को एक तोहफा देना चाहता हूँ, वो है ये, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई सिस्टर्स, सारे भाई अपनी बहनों की रक्षा करें, प्यार मोहब्बत करें। चाय भी मिल रही है भाई साहब, देखने में बहुत सुपर डुपर फिट लग रही है बट पीने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लस्सी भी पी चुके, लेमनेट भी पी चुके, कोल्ड ड्रिंक भी पी चुके, जगह नहीं है, वरना मैं चाय तो ज़रूर ट्राई करता, थोड़ी सी भी जगह होती तो चाय ज़रूर ट्राई करते, बट अभी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे घर पे, तब तक के लिए बाय। ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलें। देख लो भाई, फुल स्क्रीन लगी हुई है, आराम से बैठ के आप चिल करो, जो खाना है खाओ, आराम करना है आराम करो, क्योंकि बाहर की तरफ भी स्टॉल लगे हुए हैं, अंदर ही नहीं बाहर भी आपको मिलेगा, आइसक्रीम हो गई, गोलगप्पा हो गए, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, हर तरह से आप इंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह भी लगाए गए, मिकी माउस और छोटे मोटे झूले जो भी होते हैं बच्चों के लिए।